स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जानते हैं देश के सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल है, कैसे रहने वाला है, यानी कि कहां पर बारिश होने वाली है और कहां पर आंधी तूफान को लेकर और भारी सर्दी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में मौसम का हाल। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कैसे रहने वाला है आपके जिले के मौसम का हाल। आपको बता दें यूपी में नए साल पर छा रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने 31 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। तो वही में पश्चिमी हवा से कड़ाके की ठंड के साथ ही दिन के समय गलन का एहसास करवाना शुरू किया है। तो वही बर्फबारी हवाओं से वर्दी के साथ ही मौसम एक बार फिर से मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी सक्रिय हो गया है। इसके चलते पहाड़ी पर भारी बर्फबारी की आशंका है। ऐसे में कुछ मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो वही मौसम विभाग ने 2 जनवरी तक प्रदेश के 31 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक पश्चिमी हवा के चलते देश भर में ठंड बढ़ रही है। आगामी 3 दिन तक तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। इसी के बाद ही अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो वही मौसम विभाग के माने तो पूर्वानुमान के अनुसार 2 जनवरी तक प्रदेश के 31 जिलों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले गुरुवार को यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में 6 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो वही अधिकतम तापमान 17 से 20 डिग्री तक जा सकता है। तो वही गुरुवार को यूपी के ज़्यादातर इलाकों में कोहरा नहीं देखने को मिला है, साथ ही सुबह से ही धूप खिली है। तो वही आज यानी शुक्रवार को भी कई जिलों में मौसम साफ रहा है, लेकिन बर्फबारी हवा ने गलन का एहसास किया है। तो वही गुरुवार को अयोध्या और मुजफ्फरनगर देश के सबसे ज़्यादा ठंडा शहर है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। तो वही सहारनपुर बरेली में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। तो वही सुल्तानपुर में 5.5 डिग्री और कानपुर में 5.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वही अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहा है।